किसी के लिए पढ़ाई करना शौक और सपना होता है तो किसी के लिए मजबूरी। किसी को हर सुविधा मिलते हुए भी मुकाम नहीं मिलता है और कोई लाखों दिक्कतों के बीच में मुकाम पाना चाहता है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी ये बेटी भी कुछ ऐसे ही मामले का शिकार हुई है। ये पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख कर अपने सपने को साकार करना चाहती है, लेकिन इसके सपने के बीच और कोई नहीं बल्कि इसके अपने पापा बाधा हैं। जब इसके पिता ने इसे आगे पढ़ने से मना किया तो इसको गहरा आघात लगा। सपनों को ग्रहण लगता देख इस बेटी ने जहर खा लिया। इसकी दादी और पापा बेटी के आगे पढ़ने के खिलाफ हैं। जी बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? आरती। आरती बेटा, बड़ा क्यों खाया तुमने जहर? क्या खाया था? क्यों, क्या करना था? पापा बहस कर रहे थे, बोल रहे थे कि पढ़ाना नहीं है, हम अपना काम करते, खुद पढ़ते हैं अपने पैसों से, और कह रहे थे काम नहीं करो और हमें पढ़ाना भी नहीं है, और बहसबाजी कर रहे थे, मानने के लिए भी कर रहे थे दादी और पापा। फिर हमने खा लिया। कितने में पढ़ रही है? बी ए फर्स्ट ईयर। आगे पढ़ना चाहती है? क्या खाया था आपने? मामला छतरपुर का है। शहर सिटी कोतवाली के सरानी दरवाजे के पास की रहने वाली 18 वर्षीय आरती रैकवार बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है। ये कॉलेज में आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता विनोद रैकवार ने उसे आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया। दादी भी पिता का पूरा साथ दे रही हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि आरती और उसकी माँ सुमित्रा दूसरों के घरों का झाड़ू पोंछा चौका बर्तन करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आरती खुद भी पढ़ाई के साथ लोगों के घरों में काम करके अपना खर्च खुद उठाती हैं। बावजूद इसके दादी और पिता बेटी के सपने का गला घोटना चाहते हैं। पिताजी का पढ़ने नहीं देना। हाँ, बेटी अगर पढ़ने हैं पापा, मर जा। उनकी मम्मी कह रही थी कि हाँ मर जा, और उनके पापा कह रहे थे कि हाँ मर जा। किनकी? इनके पापा। आप कौन हैं? जी आप कौन? हम उनके हमारी मोड़ गया सास कह रही थी। अच्छा, सास ससुर, सास कह रही थी, उनके पापा कह रहे थे। उनके पापा कह रहे थे। आपका चाहती पढ़ाओ चाहते? गौर करने वाली बात है कि पारिवारिक पोषण और बेटी की पढ़ाई में पिता का बिल्कुल भी सहयोग नहीं है, लेकिन फिर भी दादी और पिता बेटी की पढ़ाई के दुश्मन बने हुए हैं। लिहाजा प्रशासन को मामले में दखल देना चाहिए और जो भी इस बेटी की इच्छा है उसको पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए, क्योंकि बेटी है अनमोल। पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया, छतरपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।